In this video, I am going to start exercise 3D of class 6 mathematics. First, we discuss some rules about the product of sign of numbers, and then we will start from question number 1. If we multiply two numbers of same sign means if we multiply plus to plus, positive to positive number or negative to negative number, in both condition we get result as a positive sign. Okay. If the sign of different means first number is positive, second negative, or first negative, second positive, in both condition we get result as a negative number. So we apply this rule in question number first. Now question number 1, first part. Here copy and complete. ये table given है. अब इसमें हमको क्या करना है, row and column के number को multiply करना है और उसका sign के साथ value रखना है. जैसे यहाँ पे 5 × 4 दोनों positive था, तो 4 × 5 = 20 यहाँ पे लिखा गया. And 5 × −4 तो 5 को multiply 4 में करेंगे, 5 × 4 = 20, but here minus sign, so we write here −20. Okay, now 5 × 4 = 20, negative, positive, so we write here −20. But जब इसका multiply इसमें करेंगे, −5 and −4, minus minus plus, 5 × 4 = 20, means plus 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 minus 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 plus minus and minus minus plus. Same as in second part of this question, 5 × 6 = 30 and 5 × 6 = −30, because your minus sign are given, −6 + 6 − 36 and minus minus plus 30. Okay, try to solve third part of this question. Now I am going to start question number 2. Find the following product. अब हम इनका product find करना है, उसके बाद देखना है कि result क्या मिलता है. रिजल्ट मल्टीप्लाई करते वक्त आपको ये ध्यान देना है कि अगर दोनों एक ही तरीके के साइन होंगे, जैसे बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, देन रिजल्ट विल बी पॉजिटिव. दोनों एक ही तरीके के प्लस प्लस होंगे या माइनस माइनस होंगे, तो रिजल्ट आपको प्लस में मिलेगा. और अगर डिफरेंट साइन होंगे, मीन्स पहला पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव, या पहला निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव, तो रिजल्ट आपको निगेटिव मिलेगा. सो स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. लुक हियर, 8 × 3, पॉजिटिव पॉजिटिव मीन्स 8 × 3 = 24, सो वी राइट हियर +24. −8 and −3, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, 8 × 3 = 24. ओके, माइनस माइनस प्लस एंड 8 × 3 = 24. When we multiply 0 to any number, we get 0 as a result. So we write here 0, −12, −7 = 45, minus minus plus, and multiply these two numbers. We write here again minus plus minus, and multiply these two numbers. We get result here. तो ये दोनों को multiply कर लीजिएगा, उसके बाद जो result आएगा वो आप अपना लिख लीजिएगा. Question number 3, simplify. −5 − 3 × 1. माइनस माइनस प्लस 15, 5 × 3 = 15 एंड वी राइट हियर 1, 15 × 1 = 15. इन सेकेंड पार्ट −16 − 9 − 383 and 0. यहाँ पे देखिएगा 0 दिया गया, तो कोई भी रिजल्ट आए मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आएगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 0 अप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एंड फोर्थ पार्ट −15 − 5 − 6, माइनस माइनस प्लस 15 × 5 = 75 एंड वी राइट हियर −6, सेम एज. नाउ प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लाई दिस टू नंबर, वी गेट 450 एज ए रिजल्ट. क्वेश्चन नंबर 5. अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, स्टेट विच इज ग्रेटर. आपको बताना है कि इसमें से कौन सा रिलेशन ग्रेटर है. पहला कंडीशन दी गई 7 + 8 ((9). ये ब्रैकेट में तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मॉस, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व द ब्रैकेट टर्म, 8 + 7 = 15 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 9 = 135 वी गेट एज अ रिजल्ट. एंड हियर 7 + 8 × 9, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मॉस, फर्स्ट मल्टीप्लाई दिस टू नंबर, 9 × 8 = 72 + 7 = 79, विच इज ग्रेटर, लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन. ओके, सो ये कंप्लीट आपको सॉल्व करना है, ना कि बुक में खाली फिल करना है, ऐसा नहीं. थर्ड पार्ट −7 − 8 ((9). सो वी राइट −8 − 7 − 15 × 9 − 135
एंड इन राइट हैंड साइड माइनस सेवन, सेवन माइनस इन ब्रैकेट दिस टू नंबर, माइनस माइनस प्लस 72, सेवन माइनस 72 इज इक्वल टू माइनस 65। जब निगेटिव साइन होता है तो अपोजिट रिलेशन होता है, सो ये ग्रेटर हो जाएगा। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8 इट इज गिवन दैट ओशियन इज सिंकिंग अबाउट 10 सेंटीमीटर इन एवरी 100 ईयर्स, सो इट विल सिंक इन 300। आपसे दिया गया है क्वेश्चन में कि 10 सेंटीमीटर वो सिंक हो जाता है 100 ईयर में। ओके, तो 300 ईयर्स के बाद वो कितना सेंटीमीटर सिंक हो जाएगा? तो 10 इंटू 3, क्योंकि 10 पर 100 ईयर है, 300 मीन्स 300 ईयर। ओके, सो 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर वो श्रिंक हो जाएगा। ओके, आई थिंक एक्सरसाइज 3D इज कंप्लीटेड। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज 3E। इफ यू हैव एनी डाउट यू मे कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।